हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका आज मैं एक टॉपिक समझाने वाला हूँ जिसका नाम है हीट पंप। तो फ्रेंड्स, आज हम हीट पंप का यूज बताऊंगा और यह कैसे वर्क करता है वह एक साइकिल के थ्रू समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन है उसको समझाऊंगा, जिसमें हम इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको सीओपी बोलते हैं वह निकालना सिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक हम प्रूफ करेंगे जिसमें सीओपी जो हीट पंप की होती है वह इक्वल होती है रेफ्रिजरेटर की सीओपी प्लस वन। तो फ्रेंड्स, यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, वह आप देख सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। जैसा कि टॉपिक लगा है हीट पंप, तो फ्रेंड्स आप जान लें पहले हीट पंप का यूज। हीट पंप का यूज करते हैं फ्रेंड्स हम किसी बॉडी को, किसी रूम को या किसी वस्तु को गर्म करने के लिए, मतलब उसको हॉट बनाने के लिए, जिससे वो उसका टेम्परेचर अधिक से अधिक रहे और वह गर्म रहे। अब इस यह कैसे काम करती हुआ है फ्रेंड्स, एक हम एग्जांपल के थ्रू, एक साइकिल के थ्रू समझेंगे। जो यहाँ पर साइकिल बनी हुई है, क्योंकि इस साइकिल को सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हमें इस तरह की एक साइकिल बनाना है, वो हिंदी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी डेफिनेशन लिखी है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा आप लिख सकते हो। अब मैं इस साइकिल के थ्रू एक सिर्फ समझेंगे हम कि हीट पंप कैसे काम करता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक एवोपरेटर रहता है। क्या होता है एवोपरेटर? यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, एक कंप्रेसर रहता है, एक कंडेंसर रहता है, एक एक्सपेंशन वाल्व रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एवोपरेटर क्या रहता है, जो भी हमारी लोअर टेम्परेचर जो भी है, जैसे मान लो मुझे एक रूम को क्या करना, गर्म करके रखना है, तो उस रूम की क्या होगा, जो भी क्या हुई है बाहर से, जो भी जहां इसको लगा रहता है वहां से ही जो भी हीट रहती है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। उस हीट को रिसीव करता है लोअर टेम्परेचर की, जो भी जितना भी टेम्परेचर उसको, क्योंकि अगर रूम का टेम्परेचर अधिक है और बाहर का टेम्परेचर कम है तो वहां से उसने क्या किया, हीट को रिसीव किया। ठीक है, कैसे किया, लोअर टेम्परेचर से उसने उसको कंप्रेसर के अंदर क्या ट्रांसफर कर दिया, किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर क्या करेगा, उस हीट को जो हमारी गैसेज है, हीट है जिसका है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है और प्रेशर बढ़ा देती है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर और उसका प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाई ट्रांसफर कहाँ करती, कंडेंसर के अंदर, किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करता है, उस गैस की या जो एयर है जो भी है उसकी हीट को क्या करता है, कंडेंस कर देता है। और जो हीट, जो हाई हीट रहती है उसकी, जिसमें कहते हैं हॉट हीट, उसको रिजेक्ट कर देता बाहर। जो रिजेक्ट कहाँ करेगा, उस रूम के अंदर रिजेक्ट करता है, किसके अंदर, रूम के अंदर रिजेक्ट करता है। तो रूम क्या होगा, हमारा हॉट गर्म होता रहता है, और बची हुई हीट को कहाँ, फिर से एक्सपेंशन वॉल्व में भेज देता है। एक्सपेंशन वॉल्व को जानते हैं आप, किसी चीज को एक्सपेंशन कर देता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर से वह एवोपरेटर में जाता है। तो इस तरह एक कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है फ्रेंड्स, और हमारा रूम गर्म होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मेन कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट कहाँ कर देता है, हमारे रूम में जो हॉट हीट रहती है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह साइकिल काम करती है। थोड़ा समझने के लिए था कि कैसे हीट पंप काम करता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पर्पज से। तो एग्जाम पर्पज में हम बता चुके हैं कि ये हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आप लिखना चाहें इसको पढ़ लें अच्छे से और लिख सकते हैं। हम यहाँ समझाने का काम कर रहे हैं कि हीट पंप, ये हीट पंप है, इसके ऊपर काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। अब वर्क कैसे किया जाता है, यह क्या करता है, जो भी कोल्ड बॉडी है, जैसे मेरा बाहर का टेम्परेचर कम होगा और रूम का टेम्परेचर, क्योंकि रूम को गर्म कर रहा है तो ऑलरेडी गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसने क्या किया, जो भी बाहर की एयर होगी, कोल्ड बॉडी जिसको बोलते हैं, वहां से हीट को क्या किया, रिजेक्ट, किसको सप्लाई किया, हीट पंप के अंदर, किसके अंदर किया, हीट पंप के अंदर। हीट पंप का पूरा वर्क डन कैसा होता है फ्रेंड्स, इस तरह का होता है। तो हीट पंप के ऊपर वर्क किया गया, तो जो वर्क हुआ उसके कारण क्या हुआ, उसने क्या किया, जो हीट को कहाँ रिजेक्ट कर दिया, जो जिस बॉडी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जिसकी डिमांड है मेंटेन करने की, तो वहां पर उसको, जो हम हॉट बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसको क्या, हॉट बॉडी बोलेंगे। हमेशा याद रखें, फिर बार बार बता रहा हूं, चाहे हीट पंप हो, रेफ्रिजरेटर हो या हीट इंजन हो, इसको हमेशा हम T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, और यहाँ पर हम Q1 मानते हैं, यहाँ पर हम Q2, मतलब जो हीट रिजेक्ट का काम हो रही है उसको Q2, हीट सप्लाई का काम हो रही है उसको Q1, और यहाँ इस बॉडी को हम T2 टेम्परेचर मानते हैं, यहाँ पर T1 मानते हैं। ये डेरिवेशन फिर करेंगे। अब इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसलिए इसको W हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कैसे काम हुआ, यहाँ से उसने क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया, कहाँ, हीट पंप के अंदर। हीट पंप के अंदर उसका वर्क हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर जब बढ़ने के बाद उसने क्या किया, जिस रूम को मेंटेन कर रहा है, जो यहाँ पर बोलेंगे कौन सी, रिजर्वायर बॉडी या फिर क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी, उसके ऊपर और रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा हमें हॉट रखना और ज्यादा से ज्यादा हॉट करना, क्योंकि हीट पंप का यही काम है किसी बॉडी को
गर्म करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो मेन क्या होगा, डिमांड बॉडी। डिमांड बॉडी मीन्स होता है कि जिसको हमें मेंटेन करना है, यहाँ मेंटेन किसको कर रहा है फ्रेंड्स, हॉट बॉडी को। तो हॉट बॉडी की डिमांड है, तो हम जब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे तो वहां इसका हम यूज बता देंगे कि जिसकी डिमांड है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, बटन पर करना लिखते हैं। अब मैं इसकी डेरिवेशन बताता हूँ, वहां एक बार और समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा हम कंसिडर हर बार करते हैं वैसा ही कंसिडर कर लिए, क्यूबन क्या है, जो भी हॉट बॉडी उसकी उसके अंदर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, कहां से, हीट पंप के अंदर से, हीट हीट एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है, एटमॉस्फेयर से, जो भी हमारा बाहर का टेम्परेचर है। डब्ल्यू क्या, नेटवर्क किसके, हीट के द्वारा, हीट पंप के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए आप। तो जैसा मैं फिर से बता दूं, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी टू है, उस वहां से क्या किया, उस हीट पंप ने हीट को रिसीव किया, इसलिए इसका एरो कैसा है, ऊपर को, मतलब ये रिसीव कर रहा है। जब रिसीव कर लेगा तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहा है। इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हीट पंप जो वर्क करेगा उसके बाद क्या करता हुआ है, हीट को रिजेक्ट कर देता है, किसको, जिस बॉडी को मेंटेन कर रहा है, मतलब यहाँ पर हॉट बॉडी को मेंटेन कर रहा है, तो उसकी ओर क्या करेगा, हीट को सप्लाई करते गए, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। तो क्यू टू क्या रिसीव की, क्यू वन क्या रिजेक्ट कर दी, इसका टेम्परेचर टी टू है, इसका टेम्परेचर टी वन है। अब सबसे पहले हम इसका इसका क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हीट पंप की जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है सीओपी, एचपी क्या है, हीट पंप को जनरेट करता है, क्यू वन अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है फ्रेंड्स, वर्क डन है। क्यू वन क्या, मैंने बताया था कि जब रेफ्रिजरेटर को समझाया था कि जो डिमांड होती, जिस बॉडी की डिमांड रहती उसको हम रखते हैं, तो यहाँ पर डिमांड किसकी फ्रेंड्स, इस हॉट बॉडी को, हॉट बॉडी पर कौन सी हीट जा रही है, क्यू वन जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्यू वन लिख दिया। जबकि रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर याद हो आपको, तो हमने क्या लिखा था, क्यू टू लिखा था, क्योंकि वहां पर हम कोल्ड बॉडी को मेंटेन कर रहा है। इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, याद रखें जिस बॉडी को मेंटेन कर रहा है, जो हमने टेम्परेचर माना वह यहाँ पर हम रखेंगे उसकी हीट, याद रखें रेफ्रिजरेटर में हम क्यू टू रखते हैं क्योंकि वहां जो लोअर टेम्परेचर बॉडी होती है उसको मेंटेन करते हैं, जबकि यहाँ पर हायर टेम्परेचर बॉडी उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको ज्यादा ज्यादा गर्म कर रहा है, तो हम इसकी हीट को यहाँ क्यू वन लिखेंगे। नीचे वर्क डन दोनों में आता, तो यहाँ पर हम वर्क डन लिख देंगे। अब हम वर्क डन इसका कैसे निकालते हैं वह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्क डन का मतलब क्यू वन इक्वल टू क्या, डब्ल्यू प्लस क्यू टू। यह कैसे होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो एटमॉस्फेरिक के द्वारा क्या करता है, हीट पंप हीट रिसीव कर रहा है, एरो देखेंगे कहां, हीट पंप के ऊपर जा रहा है, तो हीट पंप ने क्या किया, इस क्यू टू को रिसीव कर लिया, फिर इसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, मतलब दोनों प्लस हो रहा है, वर्क डन इसके ऊपर किया जा रहा है, इसी को हीट सप्लाई की जा रही, दोनों प्लस हो गया, वर्क डन प्लस क्यू टू हो गया, ये दोनों मिलके सिर्फ क्या कर पा रहा है, क्यू वन रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यू वन रिजेक्ट कर रहा है। तो डब्ल्यू प्लस क्यू टू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वन हो गया। तो यहाँ क्यू वन इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, डब्ल्यू प्लस क्यू टू। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, हमें यहाँ डब्ल्यू निकालना होता तो क्यू वन इधर पहुंच जाता, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता क्यू वन माइनस क्यू टू। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने वर्क डन निकाल लिया, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू, इसको उस पे डाला। अब इस वर्क डन को हम कहां रख देंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू की जगह रख देंगे, डब्ल्यू की जगह क्यू वन अपन क्या हो जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू टू। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं हमने क्या लिख दिया, W की जगह वैल्यू लिख दी है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। सिर्फ अगर हमें इसको टेम्परेचर के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि Q1 का टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा, और Q Q1 का यहाँ पर T1 होगा, Q2 का क्या होगा, T2 होगा। तो यहाँ पर T1 बटे T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने टेम्परेचर के रूप में लिख दिया, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो T1 लिखा है वो कैपिटल है, उसको केल्विन में लेते हैं हमेशा, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया उसमें 273 का प्लस कर देंगे, तब वह केल्विन में चेंज होगा, फिर केल्विन में चेंज करने के बाद उसको यहाँ रखेंगे, याद रखें क्यू किलो जूल में होगी या जूल में होगी फ्रेंड्स। इस तरह हम इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो भी निकली उसको निकाल सकते। अब हमें इसमें जो प्रूफ करना पड़ता, कई बार क्वेश्चन आता उसको क्या प्रूफ करना पड़ता है ये मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो सीओपी होती है एचपी की इक्वल टू क्या, सीओपी रेफ्रिजरेटर की प्लस वन, ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए बहुत आसान होता है, यही मैं दो लाइन में बताता हूँ फ्रेंड्स, बस थोड़ा वीडियो कंटिन्यू देखते रहे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मैं बता रहा हूँ आगे उस स्टेप को अच्छी तरह समझें। तो प्रूफ करना स्टार्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग रेफ्रिजरेटर सीओपी फ्रॉम हीट पंप, मतलब होता जो हीट पंप की सीओपी है जो मैंने ये निकाली हुई, इसमें से हम क्या करेंगे, जो रेफ्रिजरेटर की सीओपी है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर अब रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है वो आपको याद करके रखना पड़ेगी, मैं तो यहां बता देता हूं लिख के। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर की जो सीओपी होती है वो ये होती है, उसका फॉर्मूला हमने बताया था, जिस बॉडी को मेंटेन, यहाँ पर कोल्ड बॉडी को मेंटेन करते तो क्यू टू ऊपर आ गया, नीचे क्यू वन माइनस क्यू टू ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। तो हमें क्या करना है, इसकी जो सीओपी है इसमें से इसको माइनस कर देना, उसको कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने रख ली, क्या कर ली, जो सीओपी किसकी थी, हीट पंप की, माइनस क्या कर दी, रेफ्रिजरेटर की सीओपी, इक्वल टू में सीओपी की जो वैल्यू थी हीट पंप की उसको रख दिया, माइनस मैंने
किसकी सीओपी थी रेफ्रिजरेटर की, उसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मॉडिफाई करना क्या, नीचे देख रहे हैं क्यू वन वाइज क्यू टू इधर भी है, क्यू वन वाइज क्यू टू इधर भी है, तो हम इसको एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। मतलब क्यू वन वाइज क्यू टू क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो इसका भाग एक बार जाएगा तो क्यू वन बचेगा, फिर इसका भाग एक बार जाएगा तो क्यू टू बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू वन वाइज क्यू टू अपॉन क्यू वन वाइज क्यू टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है क्या बचा, मैंने क्या किया क्यू वन वाइज क्यू टू एलसीएम ले लिया, तो इसका भाग इसमें जाएगा तो क्यू वन बचेगा माइनस, तो इसका भाग इसमें जाएगा तो क्या बचेगा Q2 बचेगा। अब Q1 माइनस Q2 ऊपर भी है, Q1 माइनस Q2 नीचे दोनों है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, इसका भाग मतलब इसमें देंगे तो क्या बचेगा वन बचेगा, मतलब एक बार कटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है क्या आ गया, इन दोनों को काट दिया तो वन आ गया। अब हमें अगर वन आ गया फ्रेंड्स, अब हमें क्या चाहिए सीओपी इज इक्वल टू क्या चाहिए, सीओपी कॉफिशिएंट जो रेफ्रिजरेटर की सीओपी प्लस वन चाहिए, ये क्या है सीओपी रेफ्रिजरेटर की कैसी यहाँ पर माइनस की, तो अगर इसको इधर लाएंगे फ्रेंड्स तो सीओपी एचपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीओपी रेफ्रिजरेटर प्लस वन, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा, वन का ऑलरेडी प्लस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया सीओपी एचपी इक्वल टू क्या होता है सीओपी रेफ्रिजरेटर प्लस वन, यही मुझे प्रूफ करना होता फ्रेंड्स, कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सीओपी एचपी की है और सीओपी रेफ्रिजरेटर की, उसको याद करके रखना पड़ेगा। सीओपी मतलब आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, तो जरूर आप लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।